जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी और मेरे YouTube चैनल टेक्यूतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना का क्या स्ट्रक्चर है और क्या ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए लाभकारी है, क्या इसमें खामियां हैं और क्या इसकी खूबियां हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो बच्चे स्टूडेंट ट्रेनों को रोड में और गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उनको आग लगा रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 में उसका जिक्र किया गया है, पर उसमें ये जिक्र नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हैं आप, पर वहाँ पे आप जो गवर्नमेंट की जो संपदा है उसको जलाने का, उसको तोड़ फोड़ का आपको आर्टिकल जो 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। और ये इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि अगर आप चिन्हित किए गए तो आगे आपको जो सरकारी नौकरी है वहाँ से भी आपको वंचित किया जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं तो कृपया ऐसे काम ना करें, या जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं वो भी इनको बढ़ावा न दें और इनको सही, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे भारत के ही बच्चे हैं, उनको सही लाइन पर लाना, सही गाइड करना, वो भी जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं अग्निपथ के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है उसकी जो एज है वो 17.5 वर्ष से 21 साल होनी चाहिए। पहले 21 साल था, अब गवर्नमेंट ने इसको कल सरकार ने इसको 23 साल कर दिया है। जो ये भर्ती होगी वो 4 साल के लिए ही की जाएगी और जो ये स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इस साल अप्रॉक्स गवर्नमेंट का जो इसमें भर्ती करने का अग्निवीरों का है, इसमें 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी इसमें, और रिटायरमेंट 4 साल के बाद इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, तो गवर्नमेंट का पेंशन का खर्चा भी इसमें बचेगा। गवर्नमेंट का दावा है कि आधुनिकीकरण और पैसे की बचत भी इसमें होगी। ये जो योजना है आपका अग्निपथ की, वो योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पर लागू हुआ। ऑफिसर रैंक से नीचे के जितने पदों पर, जितने भी पद होते हैं उन पर ये भर्तियां चालू होंगी, नॉन कमीशन जो पोस्ट होते हैं उन पर। जिनका चयन होगा वो 4 साल तक सेना में काम करेंगे, 17 से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट। 4 वर्षों में शुरुआत में 6 मंथ ट्रेनिंग दी जाएगी, 3.5 साल सेना में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी मिलेगी, 4 साल पूरे हो जाने के बाद सैनिकों को रिटायर किया जाएगा पर उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी, हर बैच से 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी देश सेवे का मौका मिलेगा। तो सपोज अगर 4 भर्तियां तो उसमें से 1 को लिया जाएगा, 3 को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और जो 3 होंगे उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अन्य जो फैसिलिटी है उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पे बता रही है और कुछ स्टेटों ने यहाँ पे ऐलान भी कर दिया है। इसकी पैकेज की बात करें तो शानदार पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से है। पहला जो वर्ष होगा उसमें 21,000 नगद रुपए दिए जाएंगे और 9,000 पर मंथ रिटायरमेंट पैकेज में जमा कर दिया जाएगा। तो दोनों का अगर टोटल करें आप तो 21,000 प्लस 9,000 मतलब 30,000 पर मंथ की सैलरी हो जाएगी। दूसरे वर्ष की बात करें तो 23,100 रुपये नगद दिए जाएंगे अग्निवीरों को और 9,900 पर मंथ के हिसाब से रिटायरमेंट पैकेज में जमा किया जाएगा। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो 23,100 प्लस 9,900 तो 33,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे अग्निवीरों को दिया जाएगा। तीसरे वर्ष की बात करें तो 25,550 नगद दिए जाएंगे,
10,000 रुपये 10,950 पर मंथ के हिसाब से रिटायरमेंट पैकेज में जमा किया जाएगा। तो 25,550 प्लस 10,950 ये हो जाता है आपका 36,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। चौथे साल की बात करें तो 28,000 रुपये नकद दिए जाएंगे और 12,000 पर मंथ के हिसाब से रिटायरमेंट पैकेज में जमा किए जाएंगे। तो 28,000 प्लस 12,000 ये आपके हो जाते हैं 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। चार साल बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज दिया जाएगा जिसको नाम दिया गया यहाँ पे सेवा निधि पैकेज उसको बोला जाएगा। हर सैनिक को चार साल पूरे करने के बाद 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। अप्रोक्स 12 लाख रुपए यहाँ पे अग्निवीरों को रिटायरमेंट के दौरान दिए जाएंगे। इसमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से जमा होगा और आधा जो पैसा होगा वो सरकार इसमें जमा करेगी। पेंशन की सुविधा इसमें अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। फौज के तीनों अंगों के हर साल दो दो भर्तियां होंगी। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों अंग क्या करेंगे, हर साल दो दो भर्तियां इसमें निकालेंगे। अगले वर्ष से अप्रोक्स 50,000 भर्तियां हर साल होंगी जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, सरकार के द्वारा बताया गया है। ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर ये भर्तियां होंगी, ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर जैसे कि अभी तक चलता आ रहा था। अभी तक जो सेना में जो चल रहा था वो अंग्रेजों के ज़माने का रिटायरमेंट सिस्टम चल रहा था। उसमें क्या होता था, जाति और क्षेत्र के आधार पर सेना में भर्तियां होती थी, पर अब आगे ऐसे नहीं होगा। तो जाति और क्षेत्र के आधार पर किसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट ये जो होती थी तो उनके आधार पर क्या यहाँ पे भर्तियाँ निकाली जाती थी। पर अब क्या होगा, ओवरऑल भर्ती निकाली जाएगी और उसके बेसिस पे उनको यूनिटों में भेजा जाएगा अलग अलग। अगला पॉइंट आपका है कि स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अग्निवीर यहाँ पे चार साल में रिटायर होंगे, वो स्पेशल सर्टिफिकेट से क्या कर सकते हैं, वो आगे बैंकों से लोन ले सकते हैं और उससे अपना कोई बिजनेस वगैरह करना होगा तो वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की, सबसे पहले आपका चाइना पड़ता है। तो चाइना की जब बात करें तो उसके पास अप्रोक्स 20 लाख सैनिक हैं और भारत की बात करें तो हमारे पास 14.50 सैनिक उपलब्ध हैं और अमेरिका उसके बाद आता तीसरे नंबर पर, तो उसके पास 13.90 सैनिक हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सब लाख में है। जैसे चीन के पास 20 लाख हो गया, भारत के पास 14.50 लाख सैनिक और अमेरिका के पास 13.90 लाख सैनिक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रसिया का, तो रसिया के पास 8.50 लाख सैनिक हैं। अब अग्निवीरों को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो कैसे होगा आपका, जैसे आपका पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होगी, सीआरपीएफ होगा, सीआईएसएफ होगा, तो उसमें इनको प्रायोरिटी दी जाएगी अग्निवीरों को। अब इस स्कीम के अगर फ़ायदे की हम बात करें तो इस स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की रक्षा का मौका मिलेगा और सबका ही, कोई भी अगर फौज में जाता है, आर्मी में जाता है, एयरफोर्स, नेवी में जाता है तो वो पेमेंट के लिए नहीं जाता वहाँ पे, उसके मन में कहीं ना कहीं एक जुनून होता है और एक भावना होती है देश सुरक्षा करने की। तो जो ये स्कीम है अग्निपथ की, उससे क्या होगा, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। भारतीय सेना में औसत उम्र 26 वर्ष होगी।
अभी तक जो औसत उम्र थी भारतीय सेना में 32 साल की थी, और अभी ये उम्र क्योंकि 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे तो औसत उम्र यहाँ पे आपकी 26 वर्ष हो जाएगी भारतीय सेना की। 50 वर्षों के बाद जब देश की आबादी बूढ़ी हो रही होगी तब सेना युवा रहेगी क्योंकि उसकी औसत उम्र तो 26 साल ही रहेगी। 4 वर्ष के बाद 25% युवाओं को सेना में वापस रिटेन किया जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद जो रिटायरमेंट होंगे उसमें से 75% को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और 25% को सेना में वापस रिटेन किया जाएगा। ये ओवरऑल उनकी यहाँ पे क्वालिटी देखकर सेना से निकलने वाले 75% युवाओं के पास सेना में काम करने का अनुभव होगा और यही अनुभव उनको आगे सिविल सेक्टर में बहुत ही काम देगा क्योंकि एक अनुशासन में रहकर सेना की नौकरी की जाती है। तो 4 साल में उसके अंदर एक जुनून, एक जोश और एक टाइम पंक्चुअल और मोरल, आपकी भावना यहाँ पे रहेगी उस अग्निवीर के अंदर। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उसको इस चीज़ का फायदा होने वाला है। सेनानिधि के तौर पर लगभग 11.71 लाख की जमा पूंजी दी जाएगी। तो उस पूंजी का वो या तो कोई बिजनेस वगैरह में उसको डाल सकता है, उससे कोई आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है, या उसको बैंक में रखकर उसके ऊपर 18 लाख का ब्याज भी ले सकता है। देश के युवा 25 की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। सेना में 4 साल काम करने का एक्सपीरियंस होगा उनके पास। सेना को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस और सहयोगी बलों में नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंटर के होते हैं आपकी CRPF, पैरामेट्रिक फोर्स, CRPF, CISF, BSF, और जो स्टेट पुलिस की बात करें तो वहाँ पे इनको अग्निवीरों को प्रायोरिटी प्राथमिकता दी जाएगी। और जैसा कि कुछ स्टेटों ने यहाँ पे अनाउंस भी कर दिया है इस बात का। अगर हम 2013 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो कम से कम आपका 2% से कम युवा 25 साल की एज तक 12 लाख की जमा पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं, और ये एक सर्वे बता रहा है जो 2003 में किया गया। पर इन अग्निवीरों के पास जो 4 साल में रिटायरमेंट होंगे 25 साल में 11.97 लाख रुपए हो जाएंगे। सेंटर गवर्नमेंट नौकरियों में भी प्राथमिकता देगी, जैसे कि आपका CRPF, CISF, आसम राइफल, BSF, इनमें अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र के आधार पर बैंकों से आसानी से लोन मिलेगा। अग्निवीर सेना में काम करने की वजह से स्किल्ड और क्षमतावान होंगे। जो 10वीं पास हैं उन्हें नौकरी के साथ साथ 12वीं करने का क्या होगा, मौका भी दिया जाएगा। ऐसी स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट की है कि 10वीं पास अगर पास है वो, 10वीं उसने क्लियर कर रखी है, तो उसके बाद उसको नौकरी में 4 साल के अंदर अंदर ही उसको 12वीं करने का मौका दिया जाएगा। ज़्यादातर युवा 30 साल की उम्र तक भी नौकरी नहीं ढूंढ पाते। पेंशन से बचाए पैसे से सेना से जुड़ी सामान लिया जाएगा। तो पेंशन, क्योंकि 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को इनको पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ये पेंशन से जो पैसा बचेगा, पेंशन इनको नहीं देने से पैसा बचेगा, वो जो सेना से जुड़ी जो भी सामान होते हैं, आपके राइफल हो जाते हैं, टैंक हो जाते हैं, तो उनको लेने में वो पैसे का यूज़ किया जाएगा और रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी होगी इस चीज़ से। 54% ये 4.85 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही खर्चा होता है। टोटल की बात करें तो 1.34 लाख करोड़ सैलरी पर खर्च होता है, 1.28 लाख करोड़ पूर्व सैनिकों को पेंशन पे खर्च होता है, 1.31 लाख करोड़ हथियारों पर
खर्च किया जाता है। अब जो विरोध हो रहा है यहाँ पे अग्निपथ पर युवाओं का जो विरोध है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि 2019 के बाद सेना में भर्ती प्रक्रिया निकाली गई लेकिन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद 2020 में आपको जैसे पता है कोरोना आ गया था, तो ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उनकी जो प्रक्रिया है आपका फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न यहाँ तक कि क्लियर हो चुका है, तो अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया। क्योंकि जो पहले के यहाँ पे पूरा उनका फिजिकल और मेडिकल जो हो चुका है बच्चों का, उनको निष्क्रिय माना जाएगा, उनको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश ये भी है उन लोगों के जो यहाँ पे गाड़ियों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ वगैरह कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर युवा उसमें से ये भी हो सकते हैं जिनका फिजिकल और मेडिकल यहाँ पे हो चुका है। जो युवा कई सालों से सेना की तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, और 21 वर्ष से ज़्यादा हो गए उसमें से, और बहुत अभी तो गवर्नमेंट ने 2 साल बढ़ा दिया, 21 से 23 कर दी है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उसकी उम्र उसमें 23 साल से भी ऊपर हो गई है। तो उनको ये है कि अभी उनका तो यहाँ पे नंबर आएगा नहीं, तो उस वजह से भी स्टूडेंटों में यहाँ पे आक्रोश देखा जा सकता है। 21 प्लस उम्र के युवा नौकरी की रेस से ही बाहर हो गए हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो 21 साल से ज़्यादा जिनको उनकी एज हो चुकी है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने 23 साल कर दिया, तो 23 साल वाले तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉन कमीशन्ड रैंक के भर्ती के चरण की बात करें तो उसके 3 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण में आपका फिजिकल और मेडिकल कराया जाता है, और सेकंड चरण में आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है, और तीसरा जो चरण होता है वो आपका ट्रेनिंग का होता है, और उसके बाद ही एक जो परिपक्व सोल्जर बनता है उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है अलग अलग यूनिटों में। अब हम बात करें कि भारत में ही ये नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ ऐसी स्कीम चलती है। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक निर्धारित समय अवधि के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है, और करीब क्या होता है आपका 8 साल के लिए इनको भर्ती किया जाता है। 80% सैनिक अपनी सेवा के 8वें साल रिटायरमेंट हो जाते हैं, और जब ये 8वें साल में रिटायरमेंट होते हैं वहाँ पे अमेरिका में भी 80% सैनिक, तो उनको भी वहाँ पे पेंशन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे क्या वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये लोग बेरोज़गार होते हैं। अमेरिका में अगर हम पूर्व सैनिकों की बेरोज़गारी दर देखें, यहाँ पे बेरोज़गारी जो रेट है तो वो आपका 4.4% पूर्व सैनिकों की बेरोज़गारी का रेट है, और वहाँ की बेरोज़गारी जो है उसको 5% से ज़्यादा है। ये 2021 का डाटा यहाँ पे बताया गया है। और इज़राइल की भी बात करें तो इसमें हर नागरिक को 3 साल फौज में रहना अनिवार्य है, तो उसमें तो यहाँ पे रहना ही रहना अनिवार्य है आपका इज़राइल में। तो ये बात अलग हो सकती है कि जैसे मैं अमेरिका की यहाँ पे बात की कि पूर्व सैनिकों की बेरोज़गारी दर 4.4% ही है बेस्ट, तो हो सकता है कि भारत में ये चीज़ संभव न हो, क्योंकि जो अमेरिका बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे बेरोज़गारी दर बहुत कम रहती है। तो हमारा जो देश है विकासशील देश है, यहाँ पे संसाधनों की कमी है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ पे है। अगर मैं अपनी मत की बात करूँ कि मैं इस जो स्कीम है गवर्नमेंट की अग्निपथ है उसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो मेरा मानना यह है कि हर चीज़ में जैसे एडवांटेज होती हैं और कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। क्योंकि युवाओं का आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि सेना में जाने के लिए वो सैलरी, कोई भी जाता है तो अपने जोश के लिए जाता है और देश रक्षा की भावना के लिए जाता है, वहाँ पर उसको पेमेंट से
इतना लेना देना नहीं होता है, पर हाँ उसके पीछे जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनका भी ध्यान रखना उसी की ही जिम्मेवारी बनती है। तो हर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि परमानेंट जॉब के बारे में बात करेगा, जबकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4 साल के लिए इसको किया हुआ है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए और ये जो 4 साल किया हुआ है अप्रॉक्स, इसको कम से कम 10 साल के लिए करना चाहिए, ताकि जो उसका जोश है, देशभक्ति की भावना है, वो भी बनी रहे। और गवर्नमेंट को एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि जैसे आप 25% को ही उसमें रिटेन करेंगे, तो आप जो 100% है आप उतनी वैकेंसी ना निकालें, और जो 25% के हिसाब से जितने भी आपने रिटेन करने हैं आप उतनी ही वैकेंसी निकालें, पर जो भी वहाँ पे रिटेन किए जाएंगे वो 100% वहाँ पे होने चाहिए, किसी को भी 4 साल में वहाँ पे निकालना नहीं चाहिए। और वैसे आप देखें तो 4 साल में अगर रिटायरमेंट हो रहा है और उसको भी वहाँ पे 11.75 अप्रोक्स 12 लाख के करीब उसको भी यहाँ पे एक मुश्त रकम मिल रही है, उसका भी आगे वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अपना जो भी आपकी सोच है, जो जितना भी आप सोचते हो इस स्कीम के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय इसमें बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।